सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सब लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे, जबरदस्त होगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने घर में काफ़ी इजी तरीके से डीजे नाजा एम लाइट इंस्टॉलर या फिर डीजे नाजा V2 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज 10 में। क्योंकि बेसिकली विंडोज 10 में दिक्कत क्या आता है कि बहुत लोगों का सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता, जिसकी वजह से वो नाजा को कनेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स नाजा का USB जो ड्राइव हार्डवेयर है वो PC के साथ कनेक्ट नहीं होता, वो डिटेक्ट नहीं होता और असिस्टेंट सॉफ्टवेयर में काम नहीं करता। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले कैसे काफ़ी ईजी तरीके से आप अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हो और अपने नाजा को अपने विंडोज 10 में यूज कर सकते हो। तो बेसिकली दोनों का प्रोसेस एम लाइट असिस्टेंट और V2 का जो असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। बेसिकली ड्राइवर में कुछ चेंजेस करना पड़ता है और बस हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको कुछ सॉफ्टवेयर से कुछ फाइल से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, जो कि DJI का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, साइड में DJI का विन ड्राइव इंस्टॉलर। बेसिकली ये विंडोज 7 में काफ़ी इसी तरीके से चल जाता है और जो DJI नाजा है एम लाइट और DJI नाजा V2 है, ये 2014 के, क्योंकि ये DJI नाजा एम लाइट जो है ये फैंटम 1 पे लगता था और जो V2 है ये फैंटम 2 के सीरीज में लगता था। तो बेसिकली तब विंडोज 7 ज़्यादा चल रहा था, तो विंडोज 7 के बेसिक्स के हिसाब से उन्होंने बनाया था, डिज़ाइन किया था। विंडोज 7 में काफ़ी परफेक्टली काम करता था, बट जब विंडोज 10 आया तो विंडोज 10 पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बहुत हो गई बात। तो आपको ये जो एम लाइट असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, अगर आपका DJI नाजा एम लाइट यूज़ करो तो आप एम लाइट का असिस्टेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, अगर आप V2 यूज़ करो तो आप V2 का असिस्टेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, नाजा V2। ठीक है, और इन दोनों को काम, इस सॉफ्टवेयर जो आपका जो नाजा जो फ्लाइट कंट्रोलर जो कि एक हार्डवेयर है उससे PC साथ कनेक्ट करने के लिए आपको बेसिकली एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, जो कि होगा DJI विन ड्राइवर इंस्टॉलर। ओके, तो ये और जो आपका जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही कंपलसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिकली जो ड्राइवर इसे इंस्टॉल करेंगे, तो ओके और मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। बेसिकली बहुत लोगों का दिक्कत आता है कि ये इंस्टॉल नहीं होता, तो वो जो इंस्टॉल नहीं आता, क्या बोलते हैं, जो रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपका PC में इंस्टॉल नहीं हो रहा, उसके रिलेटेड मैं वीडियो नीचे दे दूंगा कि कैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर कोई एरर आता है जो कि इंस्टॉल करने नहीं देता विंडोज 10 में, तो उसे कैसे सॉल्व करते हो। मैंने एक नीचे लिंक दे दूंगा, अगर वो एरर आता है तो उस लिंक को फॉलो करो और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट और नेक्स्ट इंस्टॉल बेसिक सा चीज़ है। ओके, नेक्स्ट, ओके, फिनिश। चलो ठीक है, अभी हमें करना क्या है, अभी अपने PC में हमें डिसेबल करना है विंडोज 10 का जो सिस्टम है, जिसके वजह से हम लोग को ड्राइवर को परमिशन नहीं मिलता कि वो अपने जो नाजा या नाजा जो DJI का हार्डवेयर है उसे विंडोज 10 में यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट क्लिक करके हम लोग रिसेट मारेंगे। ओके, रिस्टार्ट मारेंगे। तो मैं फटाफट सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, आपको बेसिकली शिफ्ट क्लिक करना है और शिफ्ट को पकड़ के रखते हुए और विंडोज़ क्लिक है, विंडोज़ में जाके रिस्टार्ट करना है। ठीक है, ओके, अभी रिस्टार्ट हो रहा है, तो अभी रिस्टार्ट हो जाने दो। और बेसिकली आप लोग को देख ही रहा होगा, दिखना चाहिए अभी, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको शिफ्ट प्रेस करके रिस्टार्ट करना है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे डिसेबल करेंगे। अभी हम लोग जाना है ट्रबल शूट के ऑप्शन पे। ट्रबल शूट के ऑप्शन में जाके एडवांस ऑप्शन में जाना है और स्टार्टअप सेटिंग्स पे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टअप सेटिंग्स में जाने के बाद आपको रिस्टार्ट करना है और सिंपल से रिस्टार्ट करने के बाद आप देखो वापस से सिस्टम रिस्टार्ट होगा। तो आपको बी पेशेंस रहना है और बस वेट करो, आपका काम हो जाएगा। ओके, और ये रिस्टार्ट हो रहा है। इन सेंस अभी हमें करना है डिसेबल द ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट। ओके, हमें ये प्रोसेस करना है, तो हमें फंक्शन की का प्रेस करना पड़ेगा। फंक्शन की जो रहेगा जो कि है F7, आपको F7 क्लिक करना है और बेसिकली बूम, आपका जो ड्राइवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप अभी कोई भी मतलब DJI का ड्राइवर चला सकते हो इस पर। ओके, और बेसिकली उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोसेस है, तो फटाफट इसे रिबूट हो जाने दो, उसके बाद स्क्रीन पर लौटते। सो PC रिस्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा बहुत स्लो है, तो इसके वजह से ये दिक्कत आ रहा है, और एक्चुअली मेरा दोस्त का लैपटॉप है, तो थैंक्स विशाल तुम्हारे लैपटॉप देने के लिए इस काम के लिए। एक्चुअली मेरे PC में थोड़ा दिक्कत आ रहा है और एज यू नो इंडिया है, तो थोड़ा बहुत लो वोल्टेज पे चल रहा है और मेरा सिस्टम चल ही नहीं पा रहा है। ओके, अभी मैं फिलहाल के लिए अपना ड्रोन लेके आता हूँ, बट वो सरप्राइज़ है, वो कुछ दिन बाद यूट्यूब में मिल जाएगा आपको वीडियो। करेंटली उस ड्रोन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो ड्रोन शो नहीं कर सकता, बट मैं अभी अपने PC से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि वो उसके बाद क्या प्रोसेस है।
और वो कुछ प्रोसेस के बाद आपका जो नाजा है बैम वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं अपने ड्रोन को लेके आता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रोन लेके आ चुका हूँ और एक्चुअली मैं अंदर में ही शूट कर रहा हूँ, जानबूझ के मैं दिखाना नहीं चाहता पूरी तरीके से क्योंकि इस पर काम चल रहा है। ओके, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपकी यूएसबी से इसे कनेक्ट कर देना, ठीक है, और अपने ड्रोन को पावर कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैटरी से पावर करना है आपके फ्लाइट कंट्रोलर को, फिर इसे यूएसबी से कनेक्ट करना है, और यूएसबी से कनेक्ट करने के बाद आपको पीसी से बाद में कनेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जाना है और डिवाइस मैनेजर सर्च करना है। ओके, दिक्कत दे रहा था तो डिवाइस मैनेजर ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, इसे ऑन हो जाना है और आपको सर्च करना है कि कौन सा कॉम पोर्ट है आपका, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे देता हूँ, ये रहा मेरा, देख सकते हो एक आ गया, देख सकते हो ये है डीजीआई का डाटा केबल जो आपको आपके ड्रोन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इससे और जस्ट ये केबल इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और इसे यूएसबी प्लग कर देना। प्लग करने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉम पोर्ट शो कर रहा होगा, बेसिकली मैं वापस ही दिखा देता हूँ, निकाल के निकाला मैंने, चले गया। ओके, मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ इसे और कॉम पोर्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जाना है आपको, ये कॉम पोर्ट 3 है, ओके, तो इसमें आपको जाके अपडेट ड्राइवर करना है, ठीक है, बेसिकली अपडेट ड्राइवर करना है, ब्राउज फ्रॉम माई कंप्यूटर, उसके बाद आपको जाना है लेट मी पिकअप, ठीक है, आपको पिकअप करना है, ओके, हैव अ डिक्स, ओके, ब्राउज, और जो ड्राइवर आपने पहले इंस्टॉल किया था वो बेसिकली सी ड्राइव में जाता है, ठीक है। सी ड्राइव में जाने से आपको ये मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ दिस पीसी, मैं स्टार्टिंग से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रोग्राम फाइल 86 में जाना है, मेरे वाले में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसके मुझे शो कर रहा था, ठीक है। तो आपको प्रोग्राम फाइल 86 में जाना है, फिर DJI प्रोडक्ट में जाना है, DJI प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको शो करेगा DJI ड्राइवर्स, ठीक है, आपको सोर्स 64 सेलेक्ट करना है, ओके, और DJI का VCOM ड्राइवर 11 मिल जाएगा, आपको बेसिकली उसे इंस्टॉल कर देना है, ओके, ओपन करना है, ओपन आपने कर दिया, देन यहाँ पे क्लिक करना है ओके, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और विंडोज हैज़ फिनिश द इंस्टॉलिंग द ड्राइवर्स फॉर दिस डिवाइस, ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है, क्लोज। अभी क्या करना है, इस प्रोसेस के बाद आपको इसे डिसकनेक्ट करना है पीसी से और एक बार आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद बेसिकली इसके बाद रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तभी भी आप अपने कंफर्मेशन को रिस्टार्ट कर देना, ओके, मैं रिस्टार्ट हो जाने दो और फटाफट रिस्टार्ट होने, मीनवाइल ड्रोन तो है उसे तो चलना है। तो और गाइस शायद से ये हिंदी में फर्स्ट वीडियो होगा किसी ने इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया जितना मुझे तक लगता है, और आपका क्या ओपिनियन है मेरे एक्सप्लेनेशन को लेके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए, और काफ़ी दिनों से इनरेगुलर हूँ क्योंकि अपने 12th के बोर्ड्स आ चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा फोकस के साथ काम नहीं कर सकता। और मुझे एक भैया ने रिक्वेस्ट किया था, रजत भाई ने, तो रजत भैया के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया, तो थैंक्स रजत भैया। हाँ, और एक चीज़ कि अगर आपको देखना है कि कैसे नाजा एमलाइट को V2 में अपग्रेड करना है, एमलाइट को V2 में अपग्रेड करने का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, डेफिनेटली चेकआउट करो, ATEC YouTube चैनल काफ़ी सही है और काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट काफ़ी सही है, और 3D प्रिंटेड रिलेटेड जो भी आपको सामान चाहिए प्लीज़ कमेंट में बिलो, मैं आप लोगों को दिलवा सकता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे भैया ने 3D प्रिंटर लिया है, तो डेफिनेटली 3D प्रिंटिंग भी हो जाएगा हमारे पास, ओके, विंडोज 10 इंस्टॉलेशन ओके ग्रेट। अभी हम लोगों का डेस्कटॉप आ चुका है, स्क्रीन आ चुका है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मेरा नाजा V2 पे है अपग्रेडेड, तो मैं करूँगा V2 के असिस्टेंट जो सॉफ्टवेयर है मैं उसे ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद मुझे पता है बता दिया। और आ स्लो मुझे पसंद नहीं, तो स्किप कर देना, बेसिकली मैं बोलूँगा आप रजिस्टर कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है,
तो देख सकते हो मोड में देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है और यहाँ पे मेरा टूल रखा हुआ है। ओके मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ अपने पीसी के साथ और बैम देख सकते हो पूरी तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे आपको सॉलिड ग्रीन मिल जाएगा सिग्नल मीन्स दैट आपका जो सिस्टम है फ्लैट मॉडल है वो आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो LED ब्लिक हो रहा है। ठीक है ये शो कर रहा है ट्रांसमिट और रिसीव का। ठीक है और ये सॉलिड ग्रीन ये कनेक्टेड है। ओके आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट लाता रहता हूँ। सो सी यू अगेन ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय हैव अ नाइस डे एंड कीप इनोवेटिंग न्यू थिंग्स। बाय बाय गुड बाय। लाइक कर देना सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ साथ ही साथ ATech YouTube चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना चेकआउट कर लेना क्योंकि काफ़ी सही वीडियो बनाते। चलो बाय।